यूपी में बीजेपी के लिए आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है, जहां बीजेपी के ही सहयोगी दल उसे आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं अब इस मामले में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने बीजेपी पर पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक परिवारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की है। वे आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लगातार ऐसा कर रहे हैं। इसी के साथ शैक्षिक पदों पर पीडीए परिवारों के प्रतिनिधित्व की कमी बताते हुए अखिलेश ने कहा कि कुलपतियों के रूप में पीडीए परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जेएनयू में 15% से अधिक पीडीए कर्मचारी नहीं है। बीजेपी के लोग पीडीए के पक्ष में ही नहीं है। मंडल कमीशन, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस पीडीए परिवारों के अधिकारों की रक्षा चाहते थे, लेकिन बीजेपी उसके खिलाफ काम कर रही है। बता दें कि अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने सीएम योगी को आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए कहा था, तो वहीं अब अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पीडीए के साथ भेदभाव कर रही है।